हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मूली पालक की भुजी। मूली पालक की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी, पर आज हम मूली पालक की भुजी बनाएंगे। तो सर्दियाँ आने वाली है, मूली आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मूली पालक की भुजी बनाने के लिए हमने फ्रेश पालक और मूली लिए, जिसे हमने साफ पानी से 3-4 बार धो लिया है और मूली को बारीक काट लिया, पालक को भी हमने बारीक काट लिया है। अब सबसे पहले हम मूली पालक को कुकर में डालेंगे और इन्हें बॉईल करेंगे। मूली और पालक को हम 3-4 बार साफ पानी से धोएंगे। अब इसमें आधी गिलास के करीब पानी डाल देंगे और कुकर के ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 विसिल आने देंगे। तो मूली पालक हमारे बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तेल में 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने लंबाई में काटा है और प्याज को हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के से भुन गए हैं। अब इसमें हम अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। तो सभी मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं और सूखे मसाले भी डाल देते हैं, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब मसाले और टमाटर को हम थोड़ी देर बढ़िया से पका लेंगे ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से पक जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए और मसाला भी बढ़िया से पक गया है। अब हमने जो मूली पालक को बॉईल किया था, इसे हमने ठंडा कर लिया है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था सब पानी हमने हाथों से निचोड़ कर निकाल लिया है। तो हमें मूली पालक को बिल्कुल इस तरह से निचोड़ लेना है और इसे अब हम मसाले में डाल देते हैं। और मूली पालक को हम मसाले में बढ़िया से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक मसाले में थोड़ी देर और पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रख के बिना ढके इसे मसाले में थोड़ी देर और भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मूली पालक हमारे मसाले में बढ़िया से भून चुके हैं। तो हमारी मूली पालक की भुजी बनकर तैयार हो चुकी है। कितनी बढ़िया भुजी बनी है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरह से मूली पालक की भुजी बनाकर देखिएगा, आपको ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। जो लोग मूली पालक की सब्जी को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अगर एक बार इस तरह से जब मूली पालक की भुजी बनाएंगे तो वो लोग भी इसे बड़े ही मज़े से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यह बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में।